हाँ मैं तो इतना हमें कोई भी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यही बताया कि गाड़ी नहीं छोड़ी जी सही मोजिस सामीन अस्सलाम वालेकुम। मोजिस सामीन मोटरवे पर पाक फौज की अफसर की अहलिया की जानब से पुलिस एहलकार से बदतमीजी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाकये का नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक हजारा मोटरवे चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस नाके पर एक खातून ने गाड़ी रोके जाने पर पुलिस एहलकार से बदतमीजी की और नाजेबा रवैया अख्तियार किया। पुलिस एहलकार ने खातून को कहा कि सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और सूबेदार साहब अगर इजाजत दे सकते हैं, जिस पर खातून आपे से बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, ये आम गाड़ी नहीं है, मैं कर्नल की बीवी हूँ, रुकावटें हटा दो वरना नायब सूबेदार की वर्दी उतरवा दूंगी। खातून ने सूबेदार का नाम लेकर नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इसके बाद खातून ने गाड़ी से निकलकर सड़क पर मौजूद रुकावट हटाकर गाड़ी आगे निकलवा ली। खातून मुसलसल गलत जबान इस्तेमाल करती रही और अपने हामद का हवाला देते हुए धमकियां भी देती रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकार कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म में हैं और बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन खातून बाजिद थी कि मैंने तारफ करवा दिया, अब तुम्हें बैरियर हटाना होगा। खातून का कहना था कि सामने से हट जाएं वरना गाड़ी चढ़ा दूंगी। एहलकार ने खातून को कहा कि वो रुकावट हटा देगा तो खातून ने खुद रुकावट जमीन पर गिरा दी और साथ मौजूद नौजवान को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ट्विटर पर कर्नल की बीवी का ट्रेंड भी चलने लगा। तो मुझे सामीन उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें।